हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक स्किन केयर वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक टूल से रिलेटेड रिव्यू, जो आपकी स्किन की केयर करने के लिए ज़रूरी काम आता है। एंड चलिए शुरू करते हैं। आज आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फेशियल टूल की। जी हाँ, बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जो मुझे लगा है। एंड हालाँकि ये फेशियल टूल है, लेकिन मैं इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से डिफरेंट तरीके से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं ना। सो फ्रेंड्स, ये वाला टूल जो है मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए। ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी अगर आप लिंक चाहते हैं इसका। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ये। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टूल को, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैंने एक जो फेशियल रोलर है, जो स्टोन वाले हैं, वो किस तरीके से यूज़ किए हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मुझे हुए हैं। अच्छा, मैं अपने रिव्यूज़ तब शेयर करती हूँ जब मैं उनको यूज़ कर चुकी होती हूँ, जब मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए या नहीं होगा, तभी मैं वो रिव्यूज़ शेयर करती हूँ अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैंने परचेज़ किया और मैं रिव्यूज़ आपके सामने रख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन पे जाके, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस रोलर के यूज़ के ऊपर। तो मैं इसको अपने फेस पे किस तरीके से यूज़ करती हूँ, सेम वही प्रोसेस आपने करना है। फेस वॉश करना है, कुछ भी आपको, जो भी आप टोनर यूज़ करते हैं टोनर यूज़ कीजिए, गुलाब जल यूज़ करते हैं गुलाब जल यूज़ कीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सिरम, फेशियल ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। दैट्स इट। आपको अपने फेस पे एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं बनानी है नाइट केयर के लिए स्पेशली। अगर हाँ, अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो लेयर्स चलती हैं, बट नाइट केयर में मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसिव लेयर्स अपने फेस पे ना बनाएं। तो ऑयल सीरम इज़ इनफ। ऑयल सीरम यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फेस पे, आप देख रहे होंगे कि जो ये है ये इस तरीके से घूमता है, रोल ऑन करता है। तो ये कुछ इस तरीके से रोल ऑन करता है, आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको अप्लाई करते हुए जाना है और ये अपने आप स्किन पे रोल ऑन करता रहेगा। इसका जो सबसे बेस्ट फ़ायदा वो ये है कि आपके जो स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं इनको वो रीलाइव करता है। तो डेड सेल्स को कैसे रीलाइव करेगा, आप जैसे अगर कोई सो रहा है तो आप उसको कैसे उठाएंगे, उसको जगा के, उसको हिला के, इस तरीके से उठाएंगे ना। तो सेम प्रोसेस आपकी स्किन के ऊपर भी होता है कि अगर आपके जो डेड सेल्स हैं, जो स्लीपिंग सेल्स हैं आपकी स्किन के, उसको कैसे आप उसको जगाएंगे। तो जगाने के लिए बेस्ट होता है उसका मसाज करना। आप मसाज किसी भी रोलर से कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपके पास रोलर कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने हाथों से मसाज करना। तो चलिए, अब जब ये रोलर मैंने लिया है तो इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी स्किन को स्ट्रेच देना है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, और इसको सिर्फ चलाना है और ये अपने आप ही आपकी स्किन पे एक मसाज करेगा। क्योंकि इसमें जो रोलर्स हैं, ये रोलर्स रोल होते हैं तो आपको खुद ही फील होगा कि सिर्फ आप इस तरीके से चला रहे हैं और वो अपने आप आपकी फेस को मसाज कर रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कीजिए, इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद आप अंडर द आई वाले एरिया पे कीजिए, बहुत ही स्लो तरीके से। और आप देखेंगे कि आपको ना, जैसे रोलर से या हैंड से मैंने दिखाया है, वो एक टाइम पे आप एक ही एरिया पे मसाज कर रहे हैं, लेकिन ये एक टाइम पे दो एरिया पे आपकी मसाज कर रहा है। जैसे मैं अंडर द आई कर रही हूँ तो मेरे ये चीक बोन को भी मसाज कर रहा है। देखिए किस तरीके से, तो आपको इसमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस वाले एरिया पे भी कर लेती हूँ,
उसके बाद आपने फोरहेड पे करना है। फोरहेड पे आपको जो नोज वाले एरिया होता है इसको स्ट्रेच करना होता है, तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको ये सिंगल वाला ही यूज करना है। ऊपर ये जो ये वाला है इसको आपको थोड़ा सा उठा के रखना है सो दैट कि यही रोल करे इस तरीके से। ये करने के बाद आपको फोरहेड पे करना है इस तरीके से। फोरहेड पे भी आप सिंगल वाला ही यूज कीजिए क्योंकि वो वाले एरिया पे आपको ये देखिए इस तरीके से आपको यूज करना है। साथ ही आपको आपकी जो ये नीचे वाला जॉ लाइन एरिया है इस तरीके से। अच्छा, ये तो हुई फेशियल मसाज की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, आपको नेक एरिया में पेन है तो आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके बैक में पेन है आप इसको बैक में यूज़ कर सकते हैं। आपके पैरों में पेन हो रहा है आप पैरों की पेन की मसाज कर सकते हैं। आपके जो पैरों के तलवे होते हैं उसमें बहुत अच्छे से बहुत जेंटली मसाज करता है, बहुत रिलीफ मिलता है। साथ ही आपके अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप हेडेक में रिलीफ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा है कि एक रोलर से मैं बहुत सारी चीज़ों का जो पेन है वो हटा सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, ज़रूर लीजिए। एंड ज़्यादा महंगा भी नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा। एंड मुझे सीरियसली मैंने इसको भी एक से डेढ़ महीना यूज़ हो गया मुझे करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करती हूँ। तो ज़रूर यूज़ कीजिए अपने फेस की केयर करने के। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आप रात को जब सोने जाएँ बेड टाइम जब आपका स्टार्ट होता है आप टीवी देखते देखते अपना अच्छे से मसाज कर लीजिए। और अगर आपको कोई टूल्स अवेलेबल नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, अपने हाथों से मसाज कर लीजिए। बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू मसाज योर फेस रेगुलरली, तभी आपका जो फेस है उस पे जो फाइन लाइन्स स्टार्ट हो जाती हैं, एजिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, डेड सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं, यू नो डार्क सर्कल्स और पैचेज एरिया हो जाते हैं, पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा एंड आपके स्किन में एक आपको खुद से ही चेंजेस फील होंगे। तो अगर आपको ऐसे चेंजेस फील होते तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगी या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियो थी ये तो वो भी उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। एंड अभी के लिए इतना ही, मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से वाओ।